आज से ठीक 15 दिन बाद इस बच्चे की पत्नी इसके मृत्यु का कारण बन सकती है। आपसे प्रार्थना है कि हमारा जान ले लो, मगर और बेटा का जान बच दो। रागिनी तुम कहाँ हो? हम दिमाग वाले डॉक्टर से मिलने गए थे। हुआ क्या तुम्हें भी लगता है कि हम? अरे नहीं सर। अरे तुम्हें याद है तुमने हमें वो आवाज वाली बात बताई थी, और हमें डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें वो आवाज के कारण ना तुम्हें कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। भगवान हमारा पैकर सा करना, हम उसी बात से बच। घर में शादी है, मेहमान जुटे हुए हैं, और इनकी बहू है कि बीमारी पकड़े बैठी है। बहन जी आप लोग तो जानते हैं आजकल का बच्चा लोग को। आप चलिए। मुहूर्त का समय हो गया है, वर वधू को मंडप में बुलाइए। इतना बड़का तुम घूंघट टांग ले ले हुआ का दिख रहा होगा तुमको? विष्णु 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 रो। आसन ग्रहण कीजिए। दाया हाथ आगे लाइए। स्वस्ति तु विना साक्षात धर्म कल्याण उद्दीतः विनायकं प्रिया नित्यं त्वम स्वस्ति तु भवन्तु न। पुष्पम समर्पयामि। समर्पित कर दीजिए यहाँ पे पुष्प को, आप भी समर्पित कर दीजिए। देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशम येहि विष्णु विष्णु विष्णु। रागिनी कहाँ हो तुम? अब वर वधु वरमाला के लिए खड़े हो जाए। पहले वर पहनाएंगे फिर वधु। तदेव लग्नम सुदितं तदेव तारा बलै चंद्र बलं तदेव। आसन ग्रहण कीजिए दोनों। आप अपना दाया हाथ इनके हाथ को लगाइए। कैसी किस्मत है हमारी, सब खुशियां मना रहे हैं और हम जंजीरों में पड़े हैं। ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम केशवाय नमः स्वाहा। अब आप दोनों हाथ जोड़ लीजिए। तदेव लग्नम सुदितं तदेव। यहाँ शादी भी शुरू हो चुकी है और रागिनी मैडम का कुछ पता नहीं। प्रसिद्ध विश्वे सुरिपाही विश्वम। जैसे तुम्हें आवाज सुनाई देना तो उसे बिना अपना को जोर से चुप कर। गठबंधन के लिए आ जाइए। तुम यही बैठो, हम अभी आते हैं। अच्छा मौका, सृष्टि जी को देख के आते हैं। बिचारी कमरे में अकेली पड़ी है और यहाँ पर सब शादी में व्यस्त है। अरे यार इतनी देर हो गई है, कहाँ रह गई रागिनी? कोई नहीं देख रहा है, हम निकल जाते हैं। अरे विशु बाबू आप कहाँ जा रहे हैं? शादी यहाँ हो रही है आप? वो ऊपर सृष्टि जी अकेले है ना, तो उनके पास जा रहे हैं। जरूरी तो नहीं है कुछ, मतलब ऐसा नहीं। जाइए जाइए। आप यहाँ क्यों आए हैं? आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। विष्णु जी हम जानते हैं हमारे लिए परेशान है, लेकिन अगर आप यहाँ रुकेंगे तो हमारी परेशानी और बढ़ जाएगी। आप प्लीज जाइए यहाँ से। सृष्टि जी शांत हो जाइए, आज पूरा घर सजा हुआ है, सब बहुत खुश हैं। लेकिन आप यहाँ इस हाल में
श्री जी, आप ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके लिए एक छोटी सी खुशी चुरा के जरूर ले आए। सृष्टि जी, अपने हाथों की जंजीरें खोल दीजिए ना प्लीज। सृष्टि जी, हमें पहनाने दीजिए ना। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको हम पर भरोसा है? हाँ, और हम ऐसा करेंगे। प्यार जो करते हैं आपसे, चलिए खोल दीजिए ना। नहीं, नहीं। प्लीज सृष्टि जी। ठीक है विष्णु जी, हम जंजीर खोल देते हैं, लेकिन सिर्फ एक मिनट के लिए। सृष्टि जी, एक बार अपने पैरों की जंजीरें भी खोल दीजिए ना, हम आपको एक बार गले लगाना चाहते हैं। सृष्टि जी, आप जानती है, आज सुबह से है ना, हर किसी ने हमें कुछ ना कुछ है ना बांधा है हमारी रक्षा करने के लिए, लेकिन हमने अपने हाथ पर एक घड़ी बांधी है खुद से। ये आपने हमें बहुत प्यार से दी थी ना, बाकी सब हमें नहीं मालूम सृष्टि जी, लेकिन आपके प्यार की ये निशानी हमें हमेशा सुरक्षित रखेगी। विष्णु जी, कभी कभार आपका विश्वास देखकर हैरानी होती है, कहां से लाते हैं आप इतना विश्वास? सृष्टि जी, दादी कहती है क्या टूट विश्वास से ज्यादा फलदायक कुछ भी नहीं होता। विष्णु जी, हम नहीं चाहते थे आप हमारे पास आए, लेकिन मन में एक हल्की सी चाहत थी कि एक बार आपको देख सके, लेकिन आप सबको छोड़कर क्यों आ गए हमारे पास, जबकि आप जानते हैं कि आपकी जान को हमसे खतरा है। सृष्टि जी, हमें अपने से ज्यादा आपकी सेहत की चिंता रहती है। आपने हमें चिट्ठी भेजी थी तो हमें तो आना ही था ना। हमने आपको कोई चिट्ठी नहीं भेजी थी विष्णु जी। इसका मतलब आपको यहाँ भेजने के पीछे किसी का? सृष्टि जी, कहाँ हो सृष्टि जी? सृष्टि जी, सृष्टि जी, सृष्टि जी, हम आपके बीच हो सृष्टि जी, होश में आए ना सृष्टि जी? सुनिए ना सृष्टि जी,
आहा, विशु है। नहीं जी, रुक रुक जा, हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। रुक रुक जा, अब फिर शुरू हो जाएंगे, मैडम का कुछ पता नहीं। देवी तू बचेगी नहीं। जी एक मिनट रुकिए। सृष्टि जी, सृष्टि जी, आपके हाथों से तो खून बह रहा है। सृष्टि जी, सृष्टि जी, इसका बुरका हटाइए। अब और वेदु फेरों के लिए खड़े हो जाइए। कहा पटाखा पटाखा छोड़ रहे तुम लोग, कितना घबरा गए सब लोग। मतलब बच्चों अंदर ब्याह चल रहा है तो शांति रखो ना। अरे कहा बच्चा लोग, अभी ऐसे पटाखा बजा रहा, हमारा फेरा तो होने दो भाई। चलो पहले घर में कुछ खाओ, अंदर चलो खाओ पियो, चलो बाद में बजाइएगा अच्छे से पटाखा। चलिए आ जाओ आ जाओ, बाद में फोड़ना सब। हाँ अरे हम कह रहे शादी तो हो जाने दीजिए ना, कह रहे बाद फोड़िए पटाखा उठाखा। अरे अभी तो जाके अपना गुलाब जामुन, रसगुल्ला, चाइनीज ये सब खाइए, समझे, आइसक्रीम भी है। हमसे बताइएगा और पटाखा देंगे आपको फोड़ने के लिए। अनुराग बिस्सु को ढूंढो, बिस्सु कहाँ है? श्रीमती जी आराम से, आराम से, यही है, अभी तो यही था। चाचा जी विशु तो अभी थोड़ी देर पहले ऊपर गए हैं शिष्य जी के कमरे में, हम थे यहीं पे खड़े थे, मैं देख के आता हूँ। सृष्टि के पास सुख दुखानी सर्वाणी दव्या सह विभज्यते। विशु कहाँ चले गए तुम? विशु यत्र त्वं तदहं तत्र तथमेषा ब्रवीदिदं कुटुंब सहयिष्यामि। विशु 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 है विशु बेटा, विशु विशु अनुराग, अनुराग विशु मिला। माँ वो सृष्टि कमरे में नहीं है। मार डालेंगे वो हमारे विशु को, मार डालेंगे बेटा। संभालिए अपने आप को, आप आइए आइए। विशु सुख दुख विभागिनी तद नाम पलयिष्यामि। विशु 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 पापा, वो विशु और सृष्टि कमरे में नहीं है, और कमरे में कुछ तोड़फोड़ हुई है,
और वहां ये रेलिंग पे ब्लड भी लगा हुआ। क्या बात कर बेटा, तुमने कमरा में ठीक से देखा ना? मार डालेगी वो अमर बिशु को, मार डालेगी वो अनुराग। काव्या साहब विभज्यते। पंडित जी कमरे में नहीं है, कोई भी नहीं देखा। अच्छे से देखा बेटा, क्या हुआ सैया जी? विशु जी गायब हो गए का? हम रिजवान जी की ना होने वाली दुल्हन है, वो का है ना हमारे घर में ना कोनो अनहोनी हो गया है, तो इस वक्त के लिए शादी को टालना पड़ेगा, तो आप सब कृपया करके चले जाइए यहाँ से अभी। अरे का कह रही हो तुम? जेठ जी अब काहे नहीं समझ रहे हैं, हम ऐसे शादी नहीं कर सकते, जब तक विशु जी नहीं मिल जाते हम फेरे नहीं लेंगे। अच्छा नहीं लगता है ना, आप हमें माफ कर दीजिए। सिसी आंखें खोलो। अरे बंद करो तुम्हारा नाटक और बताओ मार बेटा कहाँ है, कहाँ क्यों उसके साथ, बताओ। सासुमा हमने कुछ नहीं किया विशु जी के साथ, हमें नहीं मालूम वो कहाँ पर है। लेकिन हम ये जानते हैं ये सब किसने किया है। किया ये सब
पानी करूं तुम्हारा ही तमाशा। हम अच्छी तरह से जानते हैं ये सारा क्या धरा जो तुम्हारा है। हम कह रहे हैं हमको बता दो हमारा बेटा कहाँ है। सासुमा हमारा यकीन कीजिए, ये सब इस रज्जो ने किया है। सही कह रही है सासू मैया।